सोनभद्रवा थाना कर्मा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरप्रांतीय शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 124 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने एक कंटेनर टाटा योद्धा के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। देखिए, कल दिनांक 3/9/2022 को ये क्राइम ब्रांच और थाना कर्मा की टीम द्वारा कर्मा बाजार से एक कंटेनर पिकअप पकड़ा, जिसमें 124 पेटी अवैध शराब थी। कुल मिलाकर वो 1116 लीटर शराब बरामद हुई एक कंटेनर में। जब उसको चेक किया गया तो उसके पास एक अवैध बिल्टी मिली, जिसमें लिखा गया था कि ये आदमी की गाड़ी है, ताकि उसे कोई चेक ना करे। ये माल बिहार से सोनीपत जा रहा था, वो बिहार में जा रहा था और हरियाणा सोनीपत से आया था, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मुकदमा 121/22 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 68, 71 IPC व 60/63 आबकारी थाना कर्मा पर दर्ज किया गया। कुल कितनी शराब और कितने की? 1116 लीटर टोटल शराब, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है, और जो पिकअप है उसकी कीमत 10 लाख है। इस प्रकार से टोटल बरामद की 22 लाख। इसके पहले भी लोग ये तस्करी कर चुके हैं, पहली बार पकड़े गए हैं? जो अभियुक्त हैं इसमें विकास, ये पहले भी 3 बार आ चुका है। जो दूसरा व्यक्ति इसके साथ में, ये पहली बार ही आया है, ऐसा बताया गया। पिकअप में क्या नॉर्मल तरीके से शराब रखा गया था या उसमें स्पेशल बनाया गया था? नहीं, पेटियां हैं तो स्पेशल नहीं बना सकते हैं उसमें, तो कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं जिसे स्पेशल पैक कर सकते हैं। एज यूजुअल रखते हैं, पैक करके रखते हैं।